सभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने। देसी ब्रेकफास्ट, कुछ ज़्यादा नहीं हाई फाई ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद कुछ जो पेपर वर्क है वो करेंगे। और पीछे तो देख ही रहे हैं, दो शेर खड़े हैं और क्या बोलें। ये हम लोग रह रहे हैं पद्मा मेनोर, बहुत अच्छा होटल है, अच्छा खासा लग रहा है मुझे। कुछ ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, लेकिन बाइक रखने के लिए बहुत अच्छा स्पेस दिया है। लोकेशन छोड़ दूंगा अगर किसको अगर चाहना होगा, मतलब कहीं भी अगर ब्रह्मपुर आ रहे हैं तो यहाँ पर रहना है तो अच्छा होटल है। तो अभी खाना बनाने का प्लान चल रहा है, लेकिन अभी क्या मिलेगा यहाँ पे पूरी पूरी है शायद पूरी, मतलब आज ऑयली इंटेक होगा। यहाँ पे वैसे इडली बहुत फेमस है ब्रह्मपुर में। इडली कहाँ पर अच्छा मिलता है मुझे पता नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी चाय ढूंढने की तलाश में हम लोग हैं, क्योंकि कल से हम लोग चाय नहीं पिए हैं और चाय हमको मिल भी नहीं रहा है। और रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एक चीज़ मानना पड़ेगा, ब्रह्मपुर में कौन कहाँ से काट रहा है किसी को पता नहीं चलता भाई। हर कोई इस तरफ से लेफ्ट राइट से आ रहे हैं। हाँ, बहुत फाइनली चाय मिल गया, बहुत खुशी वाली बात है। और कल से नहीं पिया था, लिटरली हेडेक होने लगा था, अभी शांति मिलेगा। तो अभी पिज्जा ऑर्डर दिए थे, अभी पिज्जा आने वाला है। सोनू नीचे लाने गया है, अभी जल्दी ना, आ गया आ गया आ गया। ये आपका, ये मेरा, आज वेज वेज सैटरडे के लिए। आज सैटरडे में वेज आना पड़ेगा, सोच रहे थे पनीर वनीर कुछ मंगाएंगे, पनीर खा गए तो पक गए हैं, इसीलिए पिज्जा खाते हैं आज। सो अभी 5 बज चुका है और जा रहे हैं दोनों हम लोग गोपालपुर बीच। 11 भी हो गया, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से बस 15 किलोमीटर है। सोनू गूगल में सेटिंग कर रहा है, क्योंकि हमको टाउन के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है, किस तरफ क्या है क्या है नहीं, तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, तो इसलिए गूगल में सेटिंग कर रहा है, क्योंकि मैप से सेटिंग होकर जाना सही है। आई होप मेरा एंकल ठीक हो, क्योंकि इसमें अपने हमेशा 6 फीट के हिसाब से रखता हूँ, इसके हिसाब से तो नहीं रखा हूँ। आई होप ठीक ही होगा एंकल। और इसमें पेट्रोल भी डालना है रास्ते में, तो कहाँ से गुंदले हो चु? गुंदले कहाँ से हो चु? चल टाइट लग रहा है ब्रह्मपुर, मतलब भुवनेश्वर जैसा, मतलब वाइड रहता है तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन सिटी अच्छी खासी है। बस मुझे मेरी चाय नहीं मिल रही है। अरे 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 पेट्रोल पंप नहीं मिल रहे भाई, मुझे दिक्कत होने वाली है लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। जय श्री राम। एटा उठे, वेदर भी आज बहुत ही ब्यूटीफुल है। बाइक पार्किंग की जगह कहाँ है यही है, लेकिन चल लीड कर। ये
that's the watch tower, lighthouse I think. तो अभी इस तरफ जाएंगे, उस तरफ क्योंकि ज़्यादा ही भीड़ था तो इसीलिए है तो मुझे ज़्यादा भीड़ बड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा शांति स्पेस अपना अच्छा लगता है। और ये तो गजब दिख रही है जगह, वाओ मैन, यहाँ पे हो गया अभी फोटोशूट, लवली अल्टीमेट। हाँ सड़के जमा तो चल, गाड़ी नहीं फंस पार का था। बस बाइक नहीं फंसनी चाहिए। तो डेस्टिनेशन में हम पहुंच गए जो कि 16 किलोमीटर था और आज थोड़ा ह्यूमिडिटी कम है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत दिन के बाद वेदर में हम लोग आए हैं, थोड़ा फोटोशूट कर रहे हैं, मतलब बाइक में सब थोड़ा विश कर रहे थे। सही है, बैठो 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 आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो उस तरफ है, वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाइट भी जल रहा है फॉर्चुनेटली। लवली व्यू, लवली व्यू, मतलब जितना स्ट्रेस था सब रिलीफ हो गया। ये सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर भी करना। SPS, थैंक यू।